आखिर क्या आप जानते हैं कि मर्लिन मुनरो जो एक दुनिया की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस थी, इनकी एक प्रतिष्ठित पोशाक लाखों में बिकती है। जी हाँ दोस्तों, और क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे लंबे आदमी ने डॉल्फिन की एक जोड़ी को बचाया था। जी हाँ दोस्तों, और क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने एक बार नैनो कणों का उपयोग करके चूहों को सुपर हीरो जैसे नेट विजन दी थी। जी हाँ दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि मर्लिन मुनरो जो एक दुनिया की सबसे खूबसूरत हीरोइन थी, इनकी एक प्रतिष्ठित पोशाक लाखों में बिकती थी। जी हाँ दोस्तों, प्रतिष्ठित स्पार्कली ड्रेस जिसे मर्लिन मुनरो ने राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को हैप्पी बर्थडे सुनाने के लिए पहना था, 2016 में नीलामी में 4.8 मिलियन डॉलर में बिकी थी ये ड्रेसेस। आज तक यह लेन देन अब तक बेचे गए कपड़ों के सबसे महंगे लेख के लिए विश्व रिकॉर्ड बना हुआ है, जो फिल्म द सेवन ईयर इच की कुख्यात सफेद पोशाक मुनरो के कपड़े के पहले के रिकॉर्ड को तोड़ता है। नंबर टू, क्या आप जानते हैं रोंगटे खड़े होना एक मांसपेशी के कारण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक बाल क्रूप के आधार पर छोटे पंखे के आकार की मांसपेशियां होती है जिन्हें अरेक्टर फिली कहा जाता है। शरीर को गर्म करने के प्रयास में जब शरीर ठंडा होता है ना, तो ये मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और किसी व्यक्ति के बाल उनकी त्वचा ऊपर गुजबंस पर सीधे खड़े हो जाते हैं। नंबर थ्री, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे लंबे आदमी ने डॉल्फिन की एक जोड़ी को बचाया था। जी हाँ दोस्तों, लगभग 8 फीट लंबा मंगोलियाई चरवाहा बाओ जीसुन 2006 में दुनिया के सबसे लंबे आदमी का रिकॉर्ड धारक था, जब उसने उस दिन को बचाया था जब डॉल्फिन के एक जोड़े को प्लास्टिक के टुकड़ों को निगलते हुए पाया गया था और बिट्स का उपयोग करके उनके पेट से नहीं निकाला जा सकता था। मानक उपकरण उनके विशेष रूप से लंबे हाथ अभी उपकरण साबित हुए और दोनों डॉल्फिन के जीवन को बचाया। नंबर फोर, आखिर क्या आप जानते हैं कि प्रिंसटन विश्वविद्यालय के पहले स्नातक छात्र एक अमरीकी राष्ट्रपति थे। जी हाँ दोस्तों, हालांकि आईवी लीग विश्वविद्यालय ने आधिकारिक तौर पर 1889 तक डॉक्टरेट देना शुरू नहीं किया था, वास्तव में उनके पास 1771 में उनका पहला स्नातक छात्र था जिसका नाम जेम्स मेडिसन था और ये अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के चौथे राष्ट्रपति बने। नंबर फाइव, क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने एक बार नैनो कणों का उपयोग करके चूहों को सुपर हीरो जैसी नेट विजन दी थी। जी हाँ दोस्तों, एक प्रयोगशाला में परीक्षण करते समय कुछ भाग्यशाली चूहों को अंधेरे में पूरी तरह से देखने की क्षमता दी गई जब वैज्ञानिकों ने नैनो कणों का उपयोग किया जो अवरक्त प्रकाश को दृश्य प्रकाश में परिवर्तित करता है। थैंक यू।